अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज मैं प्याज काट रहा था और प्याज काटते मुझे बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे हैं और प्याज को ज़्यादा देर से देखें आंसू आ रहे हैं ना। आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये कर लो पहले। तो गाइस, यहाँ पर जो मैं बना रहा था टिंडे गोश्त, और टिंडे गोश्त बनाते हुए प्याज काटनी पड़ी, और प्याज काटते हुए कोई इतनी ज़्यादा आंसू आ रहे थे क्योंकि प्याज कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी, तो आंसू बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो जो है बस मामा को तो आपको बताया कि जो है माँ के पैरों की नीचे जन्नत होती है, कि किस तरीके से वो प्याज काट के कर रही होती है, मैं आंखों से आंसू इतने ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो चले आ जाइए, आज आपको टिंडे गोश्त की रेसिपी देते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने प्याज की जो है टुकड़े कर दिए हैं, टुकड़े कर दिए इनके, गजब बेइज्जती है। तो गाइस, यहाँ पर जो है हमने प्याज के टुकड़े कर दिए थे, और टुकड़े करके अब इसको ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि जहर सी बात है हम लोगों को सालन बनाना है, तो इसके लिए हमने प्याज को ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर जो है मैंने पूरी की पूरी प्याज जो है टुकड़ों में काट ली थी। निकले बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। एक प्याज से कितना रोना आता है। चुप, बिल्कुल चुप। हम बना रहे हैं टिंडे गोश्त। हम इन्हों ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और जो कि प्याज ना हमारी आंखों के आंसू निकालती है, तो अभी जो मैंने ऑयल वगैरह शामिल किया था, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर जो है मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। अब ऑयल जब तक गर्म होगा, और यहाँ पर जो है मैंने एक मिनट दिखा, ये खुल क्यों नहीं रहा है? साले को बम से उड़ा दूंगा। देखिए, हमने प्याज जो है पेस्ट बना लिया, प्याज को बिल्कुल ग्राइंड कर लिए प्याज, और ये ग्राइंड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे, वैसे मुझे खुद को तो पता नहीं है, तुक्के बाजियां लगा रहे हैं, जहाँ जहाँ गलत हो तो भाई माफ कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है हमने प्याज जो है ग्राइंड फिर बंद कर दिया मैंने इसका। से ना हो पाएगा, ग्राइंड कर लीजिए। यहाँ पर जाके हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, जब तक हमारा ऑयल गर्म होगा, इसी तरीके से हमारा ऑयल गर्म हो जाए, फिर हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आधी भाई, हमें तो बहुत डर लगता है, चीटे आ जाओ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब जो हम इसमें जो है वो जो हमने प्याज ग्राइंड की थी वो शामिल कर रहे हैं। शामिल कर दिए अच्छे तरीके से, और इसको अच्छे तरीके से ब्राउन करेंगे। इसको अच्छे तरीके से हमने ब्राउन करना है, जितनी अच्छी ब्राउन होगी उतना अच्छा हमारा टिंडे गोश बनेगा। टिंडे खा लो मेरे डंडे, हो हो हो, टिंडे खा लो मेरे डंडे, जो कि हम अभी अम्मी से खाएंगे डंडे। अगर गलत बन गए तो अम्मी से डंडे खाने पड़ेंगे। यहाँ पर हम अभी अच्छी तरीके से अपनी प्याज को जो है लाल कर लेते हैं, कहीं अम्मी लाल कर देंगी फिर मम्मा हमारी। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है भुन रही है हमारी इंडिया। चले आने, जब तक हम चिकन की जो चिकन किचन चिकन साफ। गाइस, यहाँ पर देखिए हमारी जो है प्याज अच्छी तरीके से लाल हो चुकी है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, ठीक है, वो भी आपको दिखाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुकी है ये देखिए, क्योंकि जितनी अच्छी हमारी प्याज ब्राउन होगी उतने अच्छा जो है हमारा। तो गाइस, यहाँ पर जो है हमने इसमें 1.5 चम्मच लाल मिर्च, और 1 चम्मच हल्दी, और 1 चम्मच हमने, 1 से आधा चम्मच हम लोगों ने धनिया पाउडर ऐड किया है इसमें ना। अब इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। अच्छा तरीके से हमने इसकी लस्सी बना देनी है, लस्सी बना देनी है इसको अपने हाथ से आराम से, बिल्कुल पूरी लस्सी बन जाए इससे।
जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा जाना होगा रे बाबा। कंट्रोल कंट्रोल देख रहे हैं हम लोग कितना अच्छा चला रहे हैं इसको। यहाँ पर जो हम लोगों ने इसमें अदरक लहसुन भी शामिल कर दिया था और शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से देखिए कितना अच्छा भून चुका है। अब ये मसाला जो है हमारा बहुत अच्छी तरह भून चुका है, देख सकते हैं आप लोग। इसमें मैंने जो है दही भी ऐड कर दिया था और दही भी ऐड करके बुनाई करी। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। हम इसमें चिकन भी ऐड कर देंगे। देखिए जो हमने इसी तरीके से मकाले में उसको भून लिया है। देखिए इसी के साथ जो है हम लोग ठंडी भी ऐड कर देंगे। इस तरीके से कुछ हमने टंडे काट दिए थे, अब वो इसमें हम ऐड कर देंगे। ये देख सकते हैं हमारे टंडे भी इसमें जा चुके हैं, टंडे यानी डंडे। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे। इसमें जो है हम 3 गिलास पानी ऐड कर देंगे और कहाँ जा रहा है भाई तू? हमारा पानी तो गाइज इसमें हमने 1.5 चम्मच नमक भी ऐड कर दिया था और अब हम इसको जो है थोड़ी देर के लिए लाइट फ्लेम के ऊपर रख देते हैं। चल भाई Few moments later. यहाँ पर जो है हमारे टिंडे जो है रेडी हो चुके हैं और अब थोड़ी देर बाद जो है हम लोग खाना वगैरह खाएंगे और उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो फिर जल्दी से पहले खाना खा लेते हैं। गाइस यहाँ पर जो है फिर काफ़ी देर बाद जो है फिर हम लोग मतलब सब खाने पे बैठ रहे थे तो मैंने खाना खा लिया था और खाना खाने मतलब खा लिया था खा रहा था और खाने के साथ साथ जो है ड्रामा भी देख रहे थे सब मिलके। और हमारा जो सालन था आज का बहुत मज़ेदार बना था और उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नेक्स्ट मुलाकात होगी आपसे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी मदर को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। गाइस आज की मेरी छोटी सी रूटीन ये थी और मैंने कहा कि ज़रूर आपसे शेयर किया जाए, क्यों नहीं मैं आपसे शेयर करूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मुझे अच्छा लगता है छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना। ओके गाइस अस्सलाम वालेकुम।